आम जनता की राजधानी कही जाने वाली संपूर्ण क्रांति की यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग पटना से दिल्ली के बीच में यात्रा करने वाले हैं। रास्ते में ट्रेन एक से एक प्रीमियम ट्रेन्स को, सुपर फास्ट ट्रेन्स को ओवरटेक करती है भाई, फुल प्रायोरिटी इसको मिलती है। ऐसे ही आम जनता की राजधानी नहीं है, ज़बरदस्त ट्रेन है। खाना पीना हो चाहे साफ सफाई हो, आपको हर चीज़ एकदम A1 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक कमाल का जर्नी एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है, जहाँ पे आपको बेहतरीन ओवरटेक्स और तेज़ रफ्तार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं पटना से। पूरा कोई ओवरटेक कर रहे हैं? पूरा ही है, पूरा ही है, 100% रेड बोर्ड है, रेड बोर्ड है ना। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और हम लोग अभी भागलपुर गरीब रथ में यात्रा कर रहे थे, और इसमें भागलपुर से आनंद विहार के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन हम लोग इसे चेंज करने वाले हैं पटना जंक्शन में, संपूर्ण क्रांति में जाने वाले थे। गाड़ी हो गई अच्छी खासी लेट है, तो हमें लग रहा था कि भाई छूट जाएगी, पर संपूर्ण क्रांति नहीं छूटेगी, पटना जंक्शन तक टिकट है और पटना से संपूर्ण क्रांति में। तो चलिए भाई, आपको ये जर्नी आज देखने को मिलेगी, आम जनता की राजधानी हमारी आज हम लोग पकड़ लेंगे। खड़ी हुई है यहीं पर पे, बाकी ये रही अपनी गरीब रथ जो कि पहुंच रही है, देखिए यहाँ, जो कि 6:10 पहुंचने वाली थी, 6:43 यानी 6:43 पहुंच रही है यहाँ पे। डीले अच्छा खासा हुआ है, जिसके कारण जो डाउट फैक्टर है वो बना हुआ था अभी तक। पटना वाली गाड़ी जो है वो तो आगे आगे निकल गई है, पटना भी पहुंचने वाली है वो, इसके चक्कर में हमारी ट्रेन लेट हुई है। 6:45 पे पहुंचे हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन में। संपूर्ण क्रांति खैर मिल जाएगी, ये नहीं छूटेगी, अच्छा लग रहा है। गरीब रथ ने आज यार काफ़ी थका सा दिया, एकदम 6:45 देख लो यहाँ पे हो चुका है। अभी चलते हैं पटना जंक्शन, पहुंचा जाए, इससे उतरेंगे उसमें चढ़ेंगे और जो जर्नी एक्सपीरियंस हो आप एंजॉय करोगे। अभी राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर मिर्जापुर कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। अभी देखो हम लोग संपूर्ण के आगे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि भाई टाइमिंग है, संपूर्ण यहाँ से काफ़ी लेट छूटती है, बहुत टाइम है अभी। 7:45 तो पटना जंक्शन ही आती है, लेकिन कोचेस देखो कितना चमचमा रहा है यहाँ पे, तो देखकर ही आपको लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेनेंस उसका किया जाता है, जो साफ सफाई नए कोचेस एकदम उसे दिए जाते हैं, इसलिए गाड़ी की जो हाइप बनी हुई है वो सच है। तेज़ रफ्तार गाड़ी तो है ही, और राजधानी के तर्ज पर इसकी मेंटेनेंस की जाती है। खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों का रिव्यू भी हम उसका करेंगे ही। जनरल के लिए रस्सी लगी हुई है यहाँ पे चढ़ने के लिए, बाहर भाई साहब लाइन लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ी पे चढ़ने के लिए। अरे भाई भाई भाई, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये पावरफुल समस्तीपुर का WAP-7, साफ सफाई चल रही है जिसकी। चलिए पटना में मिलेंगे अभी सीधा। तो ये है अपनी 3 AC इकोनॉमी वाली गरीब रथ, देखो 7 बजे पटना जंक्शन में एंट्री हो रही है। देखो भाई प्लेटफॉर्म किस तरफ है, उधर ही उतरेंगे। हाँ अगर खड़े हो जाएंगे तो लोग उतर जाएंगे, वरना आपको भी दिक्कत हमको भी दिक्कत उतरने में। जी
पटना जंक्शन। अरे भाई भाई भाई, 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 भाई। कैसे हो? चलो ठीक है, ख्याल रखना। बाय। बस यही तक क्लिक कर दो। हाँ ले लो ले लो, चलो आइए। एक साहब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी का प्रसाद लेकर आए नैवेद्य हमारे लिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और भाई भी आए हैं, थैंक यू भाई आने के लिए। और भाई के साथ तो जर्नी चल रही थी, अपने सारे दोस्त लोग अब यहीं रह जाएंगे गरीब रथ वाले। अगर ओवरटेक होगा तो यार तुम लोग मिलना, अगर मिलोगे तो ठीक है। अगर ओवरटेक में तुम लोग बाहर रह पाए तो संपूर्ण क्रांति स्कोर करेगी ना। अपनी 3 नंबर पे आई है और संपूर्ण क्रांति 4 नंबर जाएगी। देखो पटना स्टेशन में आपको भूंजा वगैरह सब कुछ मिल रहा है, फल वगैरह भी है। भूंजा बनवाओ ना भैया, मूंगफली वाला चाहिए था, बन जाएगा मूंगफली वाला? बन जाएगा केवल? नहीं, काम करो पूरा बना दो, आप एक भूंजा ही बना दो अच्छे से। पटना स्टेशन में मैं अगर यहाँ आए और तो ये देसी ना खाए तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ हाँ डरिए, प्याज मिर्चा सब डालो भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी पटना तेजस राजधानी है, वो आ रही है, सोचा उसे देख कर ही जाए क्योंकि संपूर्ण क्रांति बस उसके पीछे पीछे दिल्ली तक चलती है। और भूंजा लिया था भाई, क्या कमाल कर दिया पटना स्टेशन में, बढ़िया सरसों का तेल डाल के, प्याज वगैरह डाल के, काफ़ी टेस्टी। कभी अगर आ रहे हो ये ट्राई ज़रूर करना। और भी बहुत सारी चीज़ें भाई लोग लेकर आए हमारे लिए, लिट्टी वगैरह वो सभी खाए हैं संपूर्ण क्रांति में, थैंक यू आप लोगों के लिए। और क्या लेके आए हो लिट्टी के साथ? लिट्टी के साथ भुजिया और पराठा। भुजिया भी बिहार में भुजिया का चलन बहुत है ना, हम लोगों ने चीज़ भागलपुर में देखा था, बहुत चलन है, वो भी खाएंगे। हनुमान टेम्पल का फेमस नैवेद्य प्रसाद भी जरूर खाएंगे। ये भी है, देखो भाई भाई ने भी ख्याल रखा है चीज़ों का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो चीज़ें लेकर आए उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। चलिए पटना तेजस राजधानी को देखते हैं, फिर संपूर्ण क्रांति में यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पटना जंक्शन पे पटना तेजस राजधानी का आगमन। ये देखो यहाँ पहुँची पटना तेजस राजधानी WAP 5 के साथ आए, नहीं अच्छा WAP 7 ही है, थैंक गॉड। आज तेजस रेक के साथ है, जब अभी हाल ही में हम लोगों ने इसमें यात्रा की थी ना तब ये चल रही थी नॉर्मल LHB कोचेस साथ। तो मतलब एक दिन जाती है तेजस रेक में, एक दिन नॉर्मल LHB रेक में, क्योंकि जो दूसरा रेक है वो मेंटेनेंस के लिए गया है। और ये यहाँ पे आ रही है 7:24, तो जो गरीब रथ एक्सप्रेस है अपनी भागलपुर वाली जो 3 नंबर पर खड़ी है, इसको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है पटना तेजस से, तो इसको यहीं पर ओवरटेक पड़ जाएगा। संपूर्ण क्रांति आएगी 7:35 पे, राजधानी के आगे आगे निकाल दिया है गरीब रथ को। और अब तो दोनों गाड़ी ओवरटेक करेंगी, इसे मज़ा आएगा। अपनी संपूर्ण क्रांति यहाँ पे आती है 7:35 और अभी हो रहा है 7:28। ये निकली यहाँ पे भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, वहाँ खड़ी है पटना तेजस राजधानी, पीछे पीछे आई आम जनता की राजधानी अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। देख लो भाई गाड़ी पूरी तरीके से पैक है, राजेंद्र टर्मिनल से ही पूरी पैक आई है। अब जिसको पटना में चढ़ना है भाई आपके लिए तो जगह है नहीं अब गाड़ी में। मुझे ये चीज़ देखनी है कि स्लीपर भी क्या इसका पैक होगा। स्लीपर खाली है भाई, अभी तो खाली है स्लीपर, ओवर पैक नहीं हो पाया है अंदर, क्योंकि सांस लेने की जगह खुली खुली जगह है, हर कोच में TT स्टाफ है, चेकिंग स्टाफ है। आप देखेंगे तो हर कोच में आपको एक TT मिलेगा। कभी भी बुक कर रहे हो तो जनरल से दूर S4, S5, S6 आप बुक कर सकते हो गाड़ी में। S6 तो एकदम ही सुकून वाला, एकदम खाली, और गाड़ी में पैंट्री कार भी है, तो खाना पानी सब आज पूरा का पूरा ट्रेन से ही करने वाले हैं। इतना कोच चमक रहा था भाई, अंदर से भी वही हाल है।
ये रहा अपना कोच चमचमा रहा राहुल भाई, तू ऐसे एकदम चमचमा रहा है भाई। चमचमाता हुआ आरएनसी राजेंद्र नगर से जो भी गाड़ी आई साफ सुथरी है, मेंटेनेंस तगड़ा है, तगड़ा मेंटेनेंस आरएनसी का लग रहा है। देख के तो आप लोग बाहर से भी एक बार ट्रेन को देख लीजिए, ये है संपूर्ण क्रांति। वैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन लगभग 1001 किलोमीटर को 12 घंटे 15 मिनट में पूरा कर देती है, इतना तेज भागती है जबरदस्त। मतलब पटना से नई दिल्ली तक पूरा 130 का सेक्शन इसको मिला हुआ, पूरी परमिशन है नॉनस्टॉप भागने की। भाई लोग ठीक है, ख्याल रखना। तो अपना तूफानी सफर यहाँ पे शुरू होता है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में। गाड़ी निकल चुकी है पटना से, टाइम देख लो आप लोग, 7:46 निकल रहे हैं हम लोग। देखो स्नैक्स काउंटर वगैरह सब कुछ है, पानी वगैरह आपको स्टेशन में भी मिल रहा है, पर ये ओवरनाइट ट्रेन है ना, तो इसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने कोई भी चीज़ खरीदी नहीं है। हाँ, जो थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम वो हमारे पास पड़े हैं, बाकी पानी वगैरह सब कुछ हम ट्रेन में ही खरीदने वाले हैं आज। अगला स्टॉप होने वाला है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, मिलते हैं सीधा वहीं पे आप लोगों से। संपूर्ण क्रांति वो आरा में भी स्टॉप दिया गया है, बक्सर में हॉल्ट नहीं दिया गया है, और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, तो कुछ ऐसा इसका शेड्यूल रहने वाला है। जबरदस्त रन देखने वाले हैं अभी आप। वाली लाइन है वो वहाँ पे अलग हो जाती, निकल जाती है, और हम लोग भी पटना जंक्शन से निकल चुके हैं। इसको कर दिया जाए अभी ऐसे बंद। ये है देखो पटना का एयरपोर्ट, फुलवारी शरीफ से भी हम लोग निकल रहे हैं, कोई क्रॉसिंग भी है शायद यहाँ पे। साहब गाड़ी निकली नहीं कि वो पहला ओवरटेक अपनी ही गाड़ी को किया हमने, गरीब रथ ओवरटेक कर ली है दानापुर से ही पहले फुलवारी शरीफ पे, ज़बरदस्त ओवरटेक था, मज़ा आया। अगर मैं थोड़ा सा भी रिस्क लिए होते ना तो पक्का कट टू कट में छूट जाता मामला, आरा तक का भी अगर हम रिस्क लिए होते गरीब से तो छूट जाता। अच्छा वो पटना तक लिए, थैंक गॉड। दानापुर से देखो पहले आ रही है पाटलिपुत्र वाली लाइन, हाजीपुर सोनपुर से जो आती है। दानापुर भी स्किप कर रहे हम लोग, दानापुर भगत की कोठी के आगे भी निकल रही है गाड़ी अपनी। जो लोग पटना से हैं दानापुर से हैं भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना संपूर्ण क्रांति आपको कैसी लगती है गाड़ी। हम सफर वहां पे खड़ी हुई है, कोई जबरदस्त रफ्तार के साथ हम लोग दानापुर से निकलते हुए। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी ये, पर ओवरटेक तो हम लोगों ने कर लिया। सब कुछ तो मिल रहा है, हम लोगों ने चाय यहाँ पे ले लिया जस्ट है, तो ये भी पानी, पर बाकी ट्रेनों से ठीक ठाक है। भैया दो पानी दे दो।
बाकी चाय बढ़िया तो यार, ये चीज़ तो कहूँगा, मतलब बाकी दोनों से तो ठीक है बट फिर भी रेलवे की चाय तो पानी ही रहेगी, पानी ही रहेगी। लैंड्री की चाय में आप एक्सपेक्ट, खाने से बहुत उम्मीद है इस गाड़ी के, देखते हैं कैसा रहेगा। और पानी वगैरह ले लिया है, पानी भी रेट टू रेट है, सब कुछ बढ़िया है इस गाड़ी में यार। गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी यार राहुल भाई, मैंने पहले ही बताया था सब रेट टू रेट है। अगर इसमें इसका आपको मैं चले किराया दिखाता हूँ राजधानी और इसका। आप लोग पटना दिल्ली के बीच में ट्रेन देखोगे, देखो सबसे ऊपर संपूर्ण क्रांति दिखा रहा है 12.5 घंटे में पहुंचती है, और राजधानी देखो वो भी 12.5 घंटे, ठीक है। दोनों ही ट्रेनों को बराबर लगभग समय दिया गया है, और किराए में अंतर आप लोग देखिएगा यहाँ पे। 3 AC में राजधानी में आपको पड़ेगा 2450, और 2 AC में पड़ेगा 3380। फर्स्ट AC तो खैर राजधानी का महंगा हो ही जाता है, और यहाँ पर आप इसमें देखिए आपको 3 AC कितने का पड़ेगा, 3 AC हो गया 1365, देखिए लगभग 1100 का अंतर। और 2 AC में 1940 इसमें, और लगभग 3000 समथिंग राजधानी में था। इसमें खाना इंक्लूडेड है राजधानी के फेयर में, और फर्स्ट AC ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है, बस खाने पीने का केटरिंग का थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और इसमें स्लीपर और 3 AC इकोनॉमी के कोचेज भी लगते हैं, इसलिए इसे आम जनता की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई बढ़िया है, खाना पीना बढ़िया है, टाइमिंग राजधानी वाली है, और किराया एकदम कम, ज़बरदस्त गाड़ी है। और भी बहुत सारी ट्रेन है पटना दिल्ली के बीच में, जिसमें से देख लो ये अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी 12 घंटा 40 मिनट, आनंद विहार हमसफ़र 13 आवर्स 10 मिनट, ये सब देखिए 14 आवर्स में, दुरंतो है हावड़ा दुरंतो, तेज़ गाड़ियां हैं, सीमांचल हो गई था 15 आवर्स 25 मिनट। ऐसे करके आप IRCTC की वेबसाइट में चेक करोगे ना, एक से एक गाड़ी मिलेंगी। सबसे ज़्यादा समय लेती है फरक्का एक्सप्रेस, 26 आवर्स ऑलमोस्ट। ब्रिज से निकल रहे हम लोग, सोन नदी ना, सोन नदी कोलिवर ब्रिज, कोलिवर ब्रिज। मैं बाकी गाड़ियां देख रहा था, अभी हम लोगों ने शायद क्लोन को ओवरटेक कर लिया है यहाँ पे, तो क्लोन ही थी जिसे हमने ओवरटेक किया। अच्छा हाँ, तो जिससे पहले ओवरटेक हुई वो क्लोन थी मालदा नई दिल्ली, वो अभी बेटा पे हम लोग कोलिवर पार कर रहे हैं, और आरा उसका स्टॉप है, आरा अपना भी स्टॉप है। संपूर्ण क्रांति के स्टॉप भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख लो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और फिर मिर्ज़ापुर, फिर कानपुर, और फिर सीधा नई दिल्ली। अपनी संपूर्ण क्रांति आई है यहाँ, प्लेटफॉर्म का हाइट देखो, क्या कर रहे हो राहुल भाई, आरा के भी ये कहा थोड़ा आरा में थोड़ा प्लेटफॉर्म एलिवेट करवाओ, ताकि संपूर्ण क्रांति और राजधानी तो रुकती ही नहीं है, संपूर्ण क्रांति में लोग चढ़ जाए। वैसे आरा में आने पे मेरा मैंडेटरी होता है भोजपुरी बोलना, क्योंकि हम आरा जिला के हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आरा से ना गया के लिए लाइन गई, लेकिन हाँ सासाराम होते हुए, ठीक है, उसके बाद वो रूट गया जाता है, इसलिए आरा जंक्शन हो जाता है। बाकी जो लोग आरा से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, हाइट वगैरह प्लेटफॉर्म की ज़्यादा है, और प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा यहाँ पे। तो चलिए गाड़ी अपनी आरा से भी निकल चुकी है, अगला हॉल्ट सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होने वाला है। प्लेटफॉर्म की शिकायत रहेगी, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए बाकी अभी हम लोग चलते हैं अंदर, और राहुल भाई के दोस्त लोग कुछ खाना पीना लाए थे, लिट्टी वगैरह वो खाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्रेशअप हो जाए यार, सुबह से ट्रैवलिंग, विक्रमशिला एक्सप्रेस, फिर भागलपुर गरीब रथ, हाल बुरा हो चुका है। अब जा रहा हूँ मैं थोड़ा मुंह धोने, फेस वॉश सब करने, पूरा चमक के टी शर्ट बदल के अंदर गीले कपड़े से सब एकदम थोड़ा नहाने की ज़रूरत जैसे फील हो रही है ना, तो सब कुछ पोछ कर थोड़ा फ्रेशअप होकर आपसे मिलता हूँ अच्छे से। बिल्कुल मस्त लग रहा है फ्रेशअप होने के बाद, क्योंकि बैक टू बैक जर्नी चल रही थी ना। अभी बक्सर स्किप करने वाले हैं, वो आप लोग देख लीजिए, फिर ट्रेन का सूप भी मैंने जस्ट खरीदा है अंदर, वो रिव्यू करते हैं चल के अंदर साथ में, और नूडल्स भी खरीद लिए भाई ने,
राहुल भाई सब ठंडा हो जाएगा, ट्रेन का भी खाएंगे और अपना जो लेके आए वो भी खाना खाएंगे, सब रिव्यू करेंगे और आज मस्ती से इसमें आराम भी करेंगे। हाँ वही वही, बाहर का भी खाएंगे, ट्रेन का भी खाएंगे, सब ठंडा इंजॉय करेंगे। राहुल भाई की फेवरेट गाड़ी है ना ये भी, वैशाली भी थी ये भी है, दो है तो ट्रेन है, बढ़िया इंजॉय करेंगे इनको। ट्रेन आपको कैसी लगी? सच बहुत बहुत अच्छी, 10/10, साफ सफाई अंदर की, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन, पंक्चुअलिटी भाग रही है और खाना अच्छा लगा अभी तक तो, देख के तो अच्छा लग रहा है, खा के बताएंगे कैसा। गाड़ियां बक्सर से भी निकल रही है, बिहार का समझ लो ये लास्ट स्टेशन है अपना, वैसे ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं, उसके बाद हम लोग धीरे से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। सर वालों का प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए एकदम धीरे से स्किप हुआ है। जो लोग यहाँ से हो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। तो ये है भाई संपूर्ण क्रांति का रूप और यहाँ पे है नूडल्स, दोनों ही बढ़िया लग रहा है देखने में, सूप जबरदस्त, मतलब इतना तो पटना तेजस राजधानी में भी आपको बढ़िया नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया यार, मतलब ये विंडो थोड़ा नाइट वाली वाइब और ये जर्नी एक्सपीरियंस टोटल एक नंबर। इनफैक्ट अभी तक की ट्रेन जर्नीज में ना सबसे बढ़िया टेस्ट किया गया सूप जो मेरा था वो यही रहेगा, मैं राजधानी ट्रेन्स को भी काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, सीआर राजधानी से लेकर सब राजधानी को काउंट कर रहा हूँ, ये सबसे सही है सूप रहा अभी तक का। और थोड़ा ये भी टेस्ट कर ही लेते हैं लगे हाँ, दोनों ही चीज़ें 10/10 लायक भाई, मस्त एकदम एक नंबर, मज़ा आ गया खा के। राहुल भाई देखो यहाँ पे अपने दोस्तों से राहुल भाई ने मंगा दिया था लिट्टी और साथ में चोखा भी, आलू की सब्जी, भुजिया वाली, पराठा, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था किया आज खाने का, बोले बिहार में आओगे तो बिहार वाला टेस्ट आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं कभी पटना एक्सप्लोर नहीं किया हूँ खाने के लिए, ये था बढ़िया। अब इसकी बारी, रात में अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो भूख जरूर लग जाएगा, जरूर लगेगा। ये क्या सरसों वाला है क्या? किस चीज का रहता है ये? मिक्स रहता है। राहुल भाई की व्यवस्था में ये भी था शामिल आज, पराठा और भुजिया, अचार भी आम का। अच्छा अच्छा, घर का पूरा व्यवस्था है। चलिए राहुल भाई शुरू किया जाए, लिट्टी को पहले आप ट्राई कीजिए, ये ज़रूरी था आपको सबसे पहले लिट्टी का टेस्ट कराना, क्योंकि आप पटना कभी अच्छे से एक्सप्लोर भी किए नहीं हो और बिहार में भी खास मौका मिला नहीं है आपको। चलिए टेस्ट करेंगे भाई, लिट्टी बनती है भाई यार, इतना दूर आने के बाद टेस्ट करना। मुजफ्फरपुर वगैरह में स्टेशन में खाने के बाद जो इमेज बनता है लिट्टी का, वो अगर ये लिट्टी खा के इंसान सोचे, ज़मीन आसमान का अंतर भाई, गजब टेस्ट भाई गजब, मान गए। अकेले मैं 5-6 खा सकता हूँ भाई, गरम गरम मिले तो ज़्यादा ही खा लूँगा, इसलिए अगली बार कभी फुर्सत से आपको आना है पटना एक्सप्लोर करेंगे, बहुत जगह है वहाँ पे आपके लिए। आइए भाई सबसे कीमती चीज़ हर की आलू भुजिया,
और आम का अचार भी है साथ में। भाई एक तो बिहार का अचार सबसे फेमस होता है, सबसे फेमस होता है वही गजब है, वो भी आम का, और साथ में प्याज वाली भुजिया। घर का रिव्यू नहीं करूंगा लेकिन मेरी एक्साइटमेंट से आप समझिए कितना बढ़िया है, मजा आ गया भाई। अब गाड़ी का खाना खाने का मन तो नहीं है बस, लेकिन सबके लिए एक बार रिव्यू कर लेंगे, एक मिनट से दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। और थैंक यू राहुल भाई इसके लिए, और जो दो भाई लोग लाए थे सानू भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसके लिए। संपूर्ण क्रांति गजब की रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रही है अभी। वी आर टेकिंग मगध एक्सप्रेस। पहुंच रहे हो पटना, तेजस निकल रही है आगे, मतलब जस्ट पीछे पीछे उसकी अपनी संपूर्ण क्रांति देखिए चल रही है। चार नंबर से निकल रही देखिए तेजस। आप में यहाँ पे 10:20 बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी संपूर्ण क्रांति आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। रात में भी अच्छी खासी रौनक है देख लो यहाँ पे। ये इसका चमचमाता एक नौमी 3AC का कोच। इंडिया का बिगेस्ट गुड्स मास्टरिंग यार्ड है यहाँ पे। पीछे आप अगर आओगे ना DDU तो देखोगे बहुत सारे गुड्स ट्रेन आपको इस साइड भी देखने को मिलेंगी और अराइवल के समय में राइट साइड भी देखने को मिलेगी। बाकी बता दूँ यहाँ से आपको बनारस के लिए रूट मिल जाएगा जो कि आगे लखनऊ अयोध्या इन सभी रूट्स के लिए जाता है। साथ साथ गया वाला लाइन पर हम लोग मर्ज हो चुके हैं। गया DDU जो सेक्शन इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे सेक्शन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं। मगध एक्सप्रेस भी आ रही है जिसको हम लोग ओवरटेक करके आए थे। राजनगर राजधानी यहाँ से निकल चुकी है। बैक टू बैक इतनी सारी ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हैंडल करता है ना जिसका कोई जवाब नहीं। और ये सेक्शन जो दिल्ली का है बिजी सेक्शन है। 10:20 से 30 हमारी ट्रेन का हॉल्ट टाइम है यहाँ पे और ट्रेन राइट टाइम आई है तो 10:30 तक यहाँ पे रुकेगी। उसके बाद मिर्ज़ापुर भी ट्रेन को अब हॉल्ट दे दिया गया तो मिर्ज़ापुर रुकेगी और उसके बाद सीधा कानपुर सेंट्रल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद प्रयागराज भी ट्रेन को हॉल्ट नहीं दिया गया है और कानपुर से सीधा नई दिल्ली सुबह 7:55 तक है। जब शुरुआती तौर पर ट्रेन को चलाया गया था ना तब दिल्ली के बाद कानपुर वानपुर भी हॉल्ट नहीं था, सीधा पटना। संपूर्ण क्रांति इसीलिए जानी जाती थी क्योंकि नॉन स्टॉप इसे चलाया जाता था। जब दुरंतो ट्रेन लॉन्च भी नहीं हुई थी तब ये ट्रेन लॉन्च हुई थी और तब से नॉन स्टॉप ट्रेन रही है सूट की। ताबड़ तोड़ रहे हैं, गजब की गाड़ी है सूट की। और यहाँ पे अब जाके मगध आ रही है, यहाँ पे इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। राजेंद्रनगर राजधानी से भी इसको ओवरटेक पड़ा, फिर जस्ट हमारी ट्रेन से पड़ा इसको ओवरटेक। गजब की पैक है भाई गाड़ी। यहाँ पर देख लो हमारी ट्रेन 10:30 निकल चुकी है, सामने मगध एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है जिसके आगे फिर से हम लोग निकल रहे हैं। उसका पहले हमसे अराइवल टाइम था लेकिन हम उससे पहले निकल रहे हैं, मतलब एक और बार ओवरटेक देखने को मिला है। इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक और बार ओवरटेक होते हुए यहाँ पे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय में रात में भी अच्छा खासा रश है प्लेटफॉर्म में, मगर इसका स्लीपर ओवर पैक नहीं है, ये चीज़ मैंने देखा। मतलब जितनी सीटें उतने ही लोग हैं, फालतू की भीड़ नहीं है। चलिए डीडू से तो निकल चुके हैं, अपना खाना जो है वो सीट पे आ चुका है, अब जाके गर्मा गर्म एकदम वो आपको दिखाते हैं, अब रिव्यू हो जाए। वैसे भूख तो नहीं लगी थी, पेट भर गया ऑलमोस्ट, बट बर्बाद नहीं करेंगे, दो लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे उसे। अभी संपूर्ण क्रांति के आने का अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे और हम लोग की गाड़ी निकल रही है। मगध का जनरल एक चीज़ मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा पैक है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पैक है यहाँ पे। साफ सफाई देखो रात में ऐसे हो रही है। डिनर का पैकिंग बढ़िया है, देख लो यहाँ पे है स्वीट के नाम पे चिक्की और रोटी गर्मा गर्म, खाना बिल्कुल गर्म आया था, बस हम लोग डीडीयू लेने बाहर चले गए। थोड़ी भुजिया भी है देखो भाई, as expected। और ये कुछ देखने में सही लग रहा है, कैसरोल और नीचे ट्रे है, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है खाना, आप देखेंगे टेस्ट एक्चुअली में कैसा है। डिनर में यहाँ पे भुजिया है, रोटी है, मटर पनीर है, दाल है और ये चिक्की भी है भाई स्वीट के नाम पे। बाकी ये राहुल भाई जल्दी से टेस्ट किया जाए यार, क्या क्या है, गर्मा गर्म था तो थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन फिर भी ठीक है। चलो फ्रेश तो लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। मैं विक्रमशिला के खाने से कंपेयर करूँगा, सबसे अच्छी बात है कि ऑन बोर्ड बनता है, पेंट्री में बनता है इसका। हाँ, और भुजिया भाई देखो जिसमें छिलकेदार आलू सब है, पनीर का सब्जी बढ़िया है, पनीर बढ़िया, भुजिया हम देख लेते हैं। एकदम फ्रेश बना हुआ है, पनीर भी ठीक ठाक है, दाल बढ़िया है, भुजिया बढ़िया है, चावल भी ठीक लग रहा है। पर कहा जाए ना तो विक्रमशिला का खाना भी टक्कर का था, मुझे लगता है वो शायद इससे अच्छा था टेस्ट, मुझे विक्रमशिला का खाना थोड़ा इससे अच्छा लगा, पर इसका भी अच्छा है, बुरा नहीं है, इसका भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप भूल जाओ खाना लेना पटना से, आप भी मेरी तरह कनेक्टिंग ट्रेन लेके आ रहे हो, समय ना बचे, ये खाना 10/10 रिकमेंडेड आपके लिए, बढ़िया है। अभी रात के 10:44 हो रहे हैं, अगर हम लोग जागेंगे ओवरटेक वगैरह लेंगे तो वो ज़रूर आपको दिखाएंगे, वरना कल सुबह जहाँ नींद खुलेगी वहाँ मुलाकात करेंगे, अभी के लिए गुड नाइट। वैसे तो मैं जगता ही हूँ कुछ जगह तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, इसे निपटाते हैं पहले तो। 11:20 पे अपना अराइवल टाइम था मिर्ज़ापुर पे, 6 मिनट का डिले है, लेकिन सच बताऊँ ठंड अब फील हो रही है, कोहरा आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा और ठंड मुझे यहाँ पे फील हो रही है। टी शर्ट में घूमने लायक है लेकिन आने वाले 5 दिन बाद ठंड का माहौल और बढ़ने वाला है। आपको मिर्ज़ापुर का अराइवल हो रहा है, गुड्डू भैया लेने नहीं आ रहे क्या? काफी भैया आए होंगे, भाई अनाउंसमेंट जो है ना बहुत अच्छी लगती है,
कुत्ते भी देख लो यहाँ सुकून से सो रहे हैं। रात के 11:30 हो गए। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो भाग रही है, जो नॉन स्टॉप इसका रन है ना, देखकर मज़ा आ रहा है। बात बताना चाहूँगा, खाना पीना बढ़िया, साफ सफाई बढ़िया और गाड़ी बढ़िया, पंक्चुअलिटी भी ज़बरदस्त। और क्या चाहिए एक ट्रेन से, राजधानी के जस्ट पीछे पीछे चल रही है। राजधानी विंध्याचल पार हुई तब ये मिर्ज़ापुर में धीरे सेंटर हुई, अभी ये भी निकलेगी बढ़िया से। काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मज़ा आ रहा है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। हाँ, थोड़ा लेट नाइट हो गया, आप शायद सोएंगे क्योंकि कल सुबह फिर से रिकॉर्डिंग की शुरुआत करनी है अर्ली मॉर्निंग। और एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे कोहरे का असर जो देखने को मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है ठंड जल्दी ही आएगी, हम लोग ठंड की जर्नी इंजॉय करना शुरू करेंगे। आप भैया ऐसे नहीं, छोड़ दो शाबाश, छोड़ दो भैया नहीं है। बिना बात के हादसे का शिकार नहीं होना। गाड़ी अच्छा खासा पिकअप ले लिए, भैया चढ़ने की कोशिश करने वाले थे, अच्छा हुआ नहीं चढ़े गाड़ी में। गाड़ी छूट जाना कई बार जान बच जाने जैसा होता है। गाड़ी 5-6 मिनट लेट है वैसे भी, अगर भैया थोड़ा और पहले आ जाते तो गाड़ी तो मिल ही जाती आराम से। टाइम से थोड़ा अगर 2-3 मिनट लेट होते तो भी मिल जाती, 5-6 मिनट लेट ऑलरेडी गाड़ी अपनी। छिवकी नैनी दोनों 130, बिना किसी डिस्काउंट के 130। यमुना माता को अभी हम लोग पार कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रयागराज से पहले। राजधानी रुकेगी कि नहीं प्रयागराज जंक्शन पे, और सामने से कोई ना कोई राजधानी होगी जो निकल रही है। हम सफर टाइप की ट्रेन लग रही है ना, अगर हम लोग आगे निकले तो पूर्वा को ओवरटेक करेंगे।
और पूर्वा को मिला है ग्रीन सिग्नल, देख लो हमें नहीं मिलेगा। वो कौन सी थी, पिकंस लाती क्या? आइडिया नहीं उसका, लेकिन पूर्वा को यहाँ ग्रीन सिग्नल मिल चुका है भाई। हैंडलर भी हो सकता है, काफी रुकी थी ना यहाँ पूर्वा, 10:30 बजे आ गई थी और अब निकल रही है यहाँ पे 12:30 बजे। पर पूर्वा के लिए हमको रोका है आज, मेन बात ये है क्योंकि संपूर्ण क्रांति को देखो प्लेटफॉर्म पे नहीं लिया है किसी। कैसे चढ़े हैं लोग इसमें ना, जा रहे एक दूसरे के ऊपर। हमको तो रुकना ही पड़ेगा, पूर्वा जब आगे निकली है, पूर्वा का तो सुबह 5:30 का ऐसा कुछ टाइम है दिल्ली का, हमारा तो ऑलमोस्ट 8 बजे का है, पर पूर्वा यहाँ पे लेट है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई आज। तो सोने से पहले प्रयागराज ट्रिप में एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे एक और ओवरटेक देखने को मिला है, गया आनंद विहार स्पेशल को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो लोग भाई संगम नगरी से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ज़रूर, संपूर्ण क्रांति का क्या प्रयागराज में हॉल्ट होना चाहिए। वैसे मैं तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि डेडिकेटेड ट्रेन है, इतनी प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, तो भाई भाग रही तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और प्रयागराज के पास ऑलरेडी हम सफर और भी अन्य कई ट्रेनें हैं, प्रयागराज सुपर फास्ट भी है। एक चीज कहूंगा, संपूर्ण क्रांति गाड़ी ऐसी है कि हम लोग देख के खुश हो रहे थे कि आप भाग रही, क्या भाग रही, इसलिए दोनों लोग जग रहे थे अभी तक। सच में भी इसको हम जितना राजधानी बुलाई है, और काफी अच्छी राजधानी से मैं कहूंगा, कम किराए में अगर ऐसी गाड़ी मिल जाए, अगर देश के हर कोने से संपर्क क्रांति के बजाय संपूर्ण क्रांति सीरीज चलानी चाहिए रेलवे को, देसी ट्रेन जिसमें दुरंतो जैसे डायनामिक ना लगे, खाना बढ़िया मिले, साफ सफाई ऐसी हो और सुरक्षा भी बहुत अच्छी है इसकी, ये भी चीज़ कहूँगा मैं। और 1:45 बजे रात के, 12:45 ऑलमोस्ट हो रहा है ना, 12:45 हो गया है यहाँ पे, हम दोनों लोग जग रहे हैं बस बाहर देख रहे हैं। अब हमें भी सोना चाहिए, मज़ा आ रहा है इस रात में, हम लोग ओवरटेक के चक्कर में जग रहे हैं, लेकिन अब हम भी थोड़ा सोएंगे, सुबह आप लोग से मुलाकात करेंगे जहाँ नींद खुलेगी। अब देखो अगर पहले खुल गई तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जहाँ नींद खुलती है वहाँ मिलते हैं, फिलहाल के लिए गुड नाइट। सुबह पहुँचती है 8 बजे तक दिल्ली, मिलते हैं। पूर्वा को ही ओवरटेक कर रहे हैं, पूर्वा ही है 100% रेड बोर्ड है, रेड बोर्ड है ना, गजब गजब। हम लोग अंदर बैठे थे, प्रयागराज से निकलते ही ओवरटेक मारा है, वो पूर्वा ट्रैक करेंगे पहले। पूर्वा ही थी भाई, क्या ओवरटेक मारा है पूर्वा को,
रात आप सभी लोगों को दोस्तों, और यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है बढ़ रही है दिल्ली की ओर। वैसे आप लोगों को बता दूँ, मौसम ठंडा हो चुका है। हम लोग सोच रहे थे कि भाई दिवाली के बाद ठंड आएगी, कुछ होगा ना, ठंड अभी से ही आ चुकी है और खूब ज़्यादा आई है। मतलब बाहर कोहरा तो आप देख ही रहे हो, ये देखो पूरे में कोहरा आपको दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोग लगभग 18 अक्टूबर को जर्नी कर रहे हैं इस ट्रेन में, तब का आपको हाल बता रहा हूँ मैं। अच्छी खासी ठंड आई है, मतलब कि जैकेट निकालना पड़ा है आज। दिल्ली पहुंचते पहुंचते एक और ओवरटेक, गुवाहाटी आनंद विहार स्पेशल। बस अभी जैसे हम लोग वंदे भारत के क्रॉसिंग लेके हाथ वाथ पोंछ ही रहे थे, तब तक एक और ओवरटेक यहाँ पे हुआ है। तो गाज़ियाबाद वगैरह कोई हॉल्ट था नहीं, पर गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद रुकी है और ट्रेन में भी ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, पेंट्री कार का बिकने आ रहा है। सोच रहे हैं लास्ट मील ट्रेन का ट्राई कर ही लेंगे, देखते हैं बताते हैं आपको। RRTS के ट्रैक देखो यहाँ पे चल रहे हैं। मैंने जानबूझ के ट्रेन की चाय और यहाँ पे कटलेट ब्रेकफास्ट मिली है, 40 रुपीज़ में दिया है भाई इसमें कटलेट, सब चीज़ एकदम बढ़िया रेट में दिया है, ये देख लो आप। कल का जो डिनर था वो 120 का था, उसमें चिक्की वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। सर्विस तो मान गए भाई, इस गाड़ी की अच्छी है। टेस्ट देखते हैं इसका कैसा कटलेट का, ठीक ठाक है चाय। मतलब वही कहूँगा कि बाकी ट्रेनों से ठीक है, पर इंडियन रेलवे वाली ही है कि मतलब गर्म पानी और चाय पत्ती, दूध का नाम निशान नहीं, ब्लैक टी विद हाई शुगर वाला हाल है। एंड कटलेट देखने में बढ़िया लग रहा है। अब सुबह 7:15 हो रहा है, भूख तो नहीं लगी, बस रिव्यू के लिए लिया था, बढ़िया है। अगर मान लीजिए आपको कभी भूख लगती है सुबह सुबह, या आप ट्राई कर सकते हो, या घर में लोगों को कटलेट पसंद है तो उसे लेके जा सकते हो ट्रेन से, बढ़िया था। अभी मिलते सीधा नई दिल्ली में, कुछ ओवरटेक वगैरह कुछ होता है तो आप दिखाते, वैसे तो बहुत कम उम्मीद है, पर हुआ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर 7:50 ये होती है, देखो भाई परफेक्ट टाइम की एंट्री, 5 मिनट पहले समय से। तो भाई संपूर्ण क्रांति में तो मज़ा ही आ गया। एक्चुअली में रफ्तार की क्रांति थी, पक्का 1000 किलोमीटर की राजधानी, 1000 किलोमीटर 12 घंटे में, थोड़ा बहुत तो सकता हम लोग को, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। हर चीज़ में बेस्ट है गाड़ी, मतलब मैं रिव्यू क्या ही करूँ, हर चीज़ में बेस्ट है। एक चीज़ में बस ख़राब है, टिकट अवेलेबिलिटी। अच्छा हाँ, वो नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा आपको। हमने भी जब तत्काल कराया ना, तो पहले मेरा तत्काल में टिकट हुआ नहीं, मतलब मेरे को साइड ऑफर मिला एक गलती से, फिर एक प्रीमियम तत्काल में राहुल भाई का गया, तो उसमें 3700 रुपीज पे किया, तब जाके अगर हम करते तो हमसे नहीं होता भैया की इस वजह से, वो भी हम लोग फर्स्ट एसी में अगर करते तो हमको सस्ता पड़ता, पर फिर हमको कमेंट आता कि भैया फर्स्ट एसी दिखा रहे हैं, पर हमने कहा नहीं ठीक है तत्काल में 2 AC करेंगे। प्लानिंग एक्चुअली स्लीपर ही था, एक बार फर्स्ट एसी किया जाएगा आराम से, स्लीपर, स्लीपर एक बार ठंड में स्लीपर, स्लीपर और फर्स्ट एसी एक बार जरूर। चलो भाई इसमें जर्नी तो करेंगे, अभी वैसे चलते हैं अपने होटल पे, वहाँ चल के आगे की बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ तक मज़ा तो बहुत आया इस गाड़ी में। क्रांति से उतरे 5 मिनट की वॉक के बाद आ चुके हैं अपने होटल साहिब। इंटीरियर वगैरह आप देख लो, वॉशरूम भी ठीक ठाक, रूम भी ठीक ठाक, 3 आदमी के लिए बढ़िया एसी रूम मिल जाएगा आपको। पहाड़ी रेंज में अरकर्षा रोड में हॉस्टल के सामने ही है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। बुकिंग के लिए यहाँ गोविंद भैया का मैं नंबर दे दे रहा हूँ, इनके थ्रू आप बुकिंग कर लेना। और हाँ, कई बार आप लोग के कमेंट आते हैं कि हमको जो रूम मिला उसमें वॉशरूम अच्छा नहीं था, रूम का हालत काफ़ी ख़राब था, तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप आ रहे हो ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई लग्जरी होटल नहीं कि जहाँ पे आप 5000-6000 रुपये पे कर रहे हो और आपको केटल भी चाहिए रूम में, हर चीज़ चाहिए। आप स्टेशन के बगल में रूम देख रहे हो, आप स्टेशन के बगल में इंसान रूम क्यों लेता है, सुबह 6 बजे की ट्रेन होती है, कभी रात 3 बजे की होती है,
ऑटो वाटो करना, गाड़ी छूटना, ये सभी जो टेंशन होती है उससे बचने के लिए लेता है। तो अगर आप टूरिज्म पर्पज से यहाँ पे आ रहे हो, रूम ले रहे हो, तो वो तो भाई उतना आपके लिए वर्थ नहीं रहेगा। हाँ, बाकी फैमिली और फ्रेंड्स का रुकने के लिए साफ़ सुथरा रूम है, देख लो रूम अच्छे ही मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करो। अगर आपका ये पर्पज़ है ट्रेन पकड़ना या ऐसा कुछ पर्पज़ है तो आपके लिए बढ़िया है। और सस्ते में अगर आपको रुकना है, 1500 के अंदर आपको 3 आदमी के लिए रूम मिल जाएगा, एसी रूम गर्मियों में। वो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि अगर आपको रुकना है तो ये बजट फ्रेंडली होटल है, अच्छा होटल है, ये आपके काम आएगा। एक टीवी मिल जाता है और क्या चाहिए, मतलब पंखा वंखा भी चल ही रहा है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पे आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर लग्जरी एक्सपेक्ट करके आ रहे हो तो वो चीज़ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बाकी एवरेज होटल है, ज़रूर आएँ कभी आ रहे हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी आने वाले वीडियोज़ में, आने वाली जर्नीज़ में। कैसा लगा एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।